Very good morning to all the students. Welcome back to our online classes. So today we are going to start our new chapter in EBS, that is chapter 7. Okay, and the name of the chapter is Healthy Habits. So इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Healthy habits के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे introduction. So यहाँ पे आता है introduction, जो हमारा first part है. It is very important to remain fit and disease free. So, as we all know, ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सब क्या रहे, फिट रहे, ठीक है, यानी स्ट्रांग रहे एंड डिजीज फ्री रहे, यानी बीमारियों से दूर रहे. अब दिस कैन बी अटेंड बाय फॉलोइंग अ हेल्दी रूटीन. खुद को फिट रख सकते हो, बीमारियों से दूर रख सकते हो, लेकिन कब? जब आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे. यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके रेगुलर डेज में, रेगुलर एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करना है, अपनी हैबिट्स के अंदर इंक्लूड करना है, सो दैट आप फिट एंड स्ट्रांग एंड डिजीज फ्री रह सको. जैसे कि बैलेंस डाइट, यानी अच्छे तरीके से खाना खाना, एक्सरसाइजिंग यानी एक्सरसाइज करना, एंड मेंटेनिंग क्लीनेस यानी साफ सफाई रखना, चाहे वो खुद में हो या अपने आसपास हो, ठीक है. अब हम बात करते हैं हेल्दी फूड की, यानी ऐसा फूड जो हमें हमारे हेल्थ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, इम्यूनिटी के साथ साथ जो हमें स्ट्रांग रखने में हेल्प करे, हमें फिट रखे, हमें एक्टिव रखे, वो फूड क्या होता है? हेल्दी फूड. ठीक है, द फूड दैट कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड बाय द बॉडी इन डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. अब देखो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, बैलेंस डाइट में अपन हमें चाहिए होता है, ठीक है, हेल्दी रूटीन के अंदर. तो बैलेंस डाइट है क्या? तो बैलेंस डाइट यानी ऐसा डाइट, यानी आप कह सकते हो कि आप खाने को इस तरीके से ले रहे हो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फाइव टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज में, यानी हर न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग होता है, तो वो सारे के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो हमारे बॉडी को है वो उस खाने के टाइम पर यानी उस प्लेट पे मौजूद हो, ठीक है, यानी प्रेजेंट हो. तो ऐसा फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट होता है, उस फूड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, ठीक है. अब हेल्दी फूड के अंदर जैसे कि बनाना है, राइस है, टोमेटो है, स्पिनच है, कैरेट है, वाटरमेलन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? हेल्दी फूड, यानी जो आपको आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. अब इसके बाद आते हैं जंक फूड. अगर जंक फूड की बात करें तो ऐसा फूड जो आपको लेजी बनाता है, आपको अनहेल्दी रखता है, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स बढ़ाता है, ठीक है, वो सारे फूड कैसे होते हैं? जंक फूड. इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आइसक्रीम है, फिर उसके अलावा आप बात कर सकते हो जैसे कि बर्गर है, ठीक है, फ्राइज हो गए, जो पोटैटो होता है वो फ्राइज, उसके अलावा चिप्स हो गया, ठीक है. इन सब के अंदर क्या होता है कि जो ऑयल और इन सब की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है. आई नो वी शुड हैव दैट, लेकिन एक क्वांटिटी के अंदर, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की. सो बेसिकली ये जो जंक फूड होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर लेजीनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर देता है, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज करता है. एक्सेप्ट दिस हेल्थी फूड, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक वाटर, यानी हमारे हेल्थी रूटीन के अंदर पानी का भी रिक्वायरमेंट है, यानी पानी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. बिकॉज वॉट इट डू, वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है, ठीक है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट है उसे रिमूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. सो एक हेल्दी फूड के साथ आपको वाटर भी चाहिए होता है टू स्टे फिट एंड हेल्दी. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइजिंग की. एक्सरसाइजिंग जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो एक्सरसाइजिंग की अगर बात करें तो जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, स्केटिंग, जॉगिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. यानी एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि
इसमें ये होता है कि एक्सरसाइज मींस अगर आप कोई भी गेम वगैरह में खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी जहाँ पे आप अपने स्टेमिना को यूज कर रहे हो, आप अपना एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि साइकिलिंग है तो साइकिलिंग में आपके लेग्स मूवमेंट होते हैं, ठीक है, स्विमिंग है तो हैंड मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट होता है, स्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी बॉडी एंड लेग का मूवमेंट होता है, जॉगिंग करते हैं तो पूरा बॉडी हमारा क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर काम होना शुरू हो जाता है, यानी रनिंग जॉगिंग करते करते क्या होता है, जो मैंने लेग्स हैं वो वर्क करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज करते हो तो इन एक्टिविटीज से भी क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो फैट है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से आप फिट और हेल्दी भी रहोगे। अब नेक्स्ट जो है, योगा ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अस फिट, एंड एज वी ऑल नो कि आपने खुद ही देखा होगा बहुत से ऐसे कैंपेन्स लगते हैं, जैसे कि जब समर टाइम होता है तो योगा की क्लासेस लगती हैं, क्यों? इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये योगा जो है वो हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत हेल्प करता है, फिट के साथ साथ ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करता है, यानी आप इजीली अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि योगा सिर्फ किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ही होता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, कोई भी पर्सन योगा कर सकता है, लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, योगा शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन, यानी जो ट्रेन्ड पर्सन है उसी की गाइडेंस में आपको योगा प्रैक्टिस करनी होती है। इट कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या करता है, आपको एक्टिव कर देता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो आप डे टू डे के अंदर जो भी आपका काम होता है आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसके साथ ही आपको फिट रखता है और डिजीज फ्री रखता है। तो इट मीन्स जब आप डिजीज फ्री हो, जब आप फिट हो, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और आप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे।